फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हम अपनी पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर चुके हैं। आज देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का ये पार्ट देखिए क्या कह रहा है। सिंप्लीफाई सिंप्लीफाई करना है 3x मल्टीप्लाइड बाय 4x माइनस 5 प्लस 3 एंड फाइंड इट्स वैल्यू फॉर x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 1/2। सेकंड के लिए x की वैल्यू 1/2 दी गई है। फर्स्ट के लिए मतलब फर्स्ट और सेकंड का यहाँ पे मतलब है, एक बार एक्स की वैल्यू हमें 3 रख के देखना है, एक बार एक्स की वैल्यू हमें माइनस सॉरी 1/2 रख के देखना है। ठीक है, हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। चलिए कैसे करना है देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट में लिखती हूँ। हमें दिया गया है 3x मल्टीप्लाइड बाय 4x माइनस 5। बच्चों, मैंने अभी बताया था किसी नंबर और दो नंबर्स के बीच में अगर ब्रैकेट का साइन सिर्फ लगा है तो इसका मतलब वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। आप मल्टीप्लाई लगाइए चाहे ना लगाइए, इट इज ऑलरेडी अंडरस्टूड दैट इट इज मल्टीप्लीकेशन हेयर। सो 3x 4x माइनस 5, ये हमको एक एक्सप्रेशन दिया गया है और आग प्लस 3 लगाया हुआ है। ये हमारा पूरा क्वेश्चन है। हमें कहा गया फाइंड इट्स वैल्यू फॉर, इसकी वैल्यू हमें निकालना है। जब हम x की वैल्यू को फर्स्ट कंडीशन देखते हैं, पहले फर्स्ट कंडीशन इसकी है, हमें x की वैल्यू 3 दी गई है। अब हम क्या हमें क्या करना है, इस x की वैल्यू को हमें इसमें पुट करना है। तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए करते हैं, ये हो गया 3 से पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 4 12, x और x मिलके कितना बना, x की पावर 2। अब आइए माइनस पे, 3 5 15, x इन दोनों के साथ एक ही बार है, x लिख दिया एक बार, और प्लस 3 यहाँ पे हमने लिख दिया। अब हम चलिए यहाँ पे x की पावर रखते हैं, x की पावर हमें 3 रखना है। तो 12 मल्टीप्लाइड बाय, देखिए x की जगह हम 3 रख रहे हैं और ऊपर क्या लगा रहे हैं, स्क्वायर, फिर माइनस 15 मल्टीप्लाइड बाई 3 और ये प्लस 3। अब इसे सॉल्व करना है तो यहाँ पे सबसे पहले हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे। 3 के ऊपर स्क्वायर है, इसका मतलब 3 दो बार लिखा जाएगा। ठीक है, x के ऊपर जितनी पावर होती है बच्चों उतने ही बार वो नंबर को लिखा जाता है मल्टीप्लीकेशन साइन के साथ। x के ऊपर 2 था तो हमने x के ऊपर 2 था मतलब 3 के ऊपर 2 था, तो 3 के ऊपर 2 था तो मतलब हमने 3 को 2 बार लिख दिया। अब आते हैं, हम माइनस लगाते हैं, 5 3 जा, देखिए बच्चों पहले प्लस, और देखो यहाँ पे हमें प्लस भी दिया है मल्टीप्लाई भी दिया है। तो हमें बोर्ड मास एक रूल होता है, बोर्ड मास ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, देखिए ब्रैकेट ओपन, सबसे पहले हमें ब्रैकेट ओपन करना है, फिर डी से वर्ड डिवीजन पहले होता है, मल्टीप्लीकेशन फिर होता है, फिर एडिशन होता है और लास्ट में सब्ट्रैक्शन होता है। तो देखो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन और एडिशन, तो मल्टीप्लीकेशन और एडिशन में पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे, एडिशन बाद में, तो हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम करेंगे 5 3 15 3 45, प्लस 3 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट लगा दीजिए। अब देखिए यहाँ पे 12 3 3 9 और 12 × 9 करना है, 12 × यहाँ 3 3 हो गया 9 माइनस। अब इनको ऐड कर लीजिए अंदर, ऐड होके हो जाएगा 45 + 3 48। ठीक, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए, 12 9 का कितना हुआ 108 माइनस ये 48, और माइनस करते हैं, 8 में 8 गया 0, 10 में 4 गया 6, दिस इज अवर फाइनल आंसर। साइन किसका आएगा, प्लस का आएगा, क्योंकि 108 बड़ा डिजिट है 48 से। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट पार्ट में हमने देखा जब हमने वैल्यू x की 3 रखी तो हमें आंसर 60 मिला। अब इसका सेकेंड पार्ट पे देखो, यहाँ पे कहा गया x की वैल्यू 1/2 रखनी है, तो मैं इसको रब करती हूँ। चलिए बच्चों, अब हम x की वैल्यू उसके सेकेंड पार्ट को देखिए, x की वैल्यू हमें 1/2 रखना है। अब हमें x की वैल्यू क्या रखना है, 1/2। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें डायरेक्ट रख लेते हैं, देखो 3 है, जहाँ जहाँ हम वैल्यू पुट करेंगे ना वहाँ पे ये देखिए 3 है। अब x की वैल्यू हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं, ये x है, इसकी वैल्यू हमने क्या माना है, इसकी वैल्यू हमने माना है 1/2, तो हम लिखते हैं 1/2। ठीक है, ब्रैकेट लगा दिया, ब्रैकेट 4 मल्टीप्लाइड बाई x की वैल्यू फिर से हमने क्या रखा है, 1/2। ठीक है, देखिए माइनस 5, बाकी सब हमने सेम उतार लिया, x की वैल्यू हमने डायरेक्ट 1/2 यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, अब चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 3 1 3 ऊपर नीचे 2 आ गया, ब्रैकेट स्टार्ट करिए, 4 1 4 नीचे 2 और माइनस 5 था हमारे पास पहले से, प्लस 3 हमारे पास पहले से था। अब 3/2 यहाँ पे ऐसे आ गया, लिख दिया सेम, अब देखिए काटिए, 2 1 2 2 2 4, तो ऊपर मिला 2 - 5 और प्लस 3। अब चलते हैं 3/2, अब देखिए यहाँ पे 2 में से 5 तो घटेगा नहीं, तो 5 में से 2 घटाएंगे, बचा 3। अब यहाँ पे देखिए साइन किसका लगेगा, साइन लगेगा क्योंकि 5 बड़ा है, तो 5 के साथ माइनस है तो माइनस लगाएंगे,
और यहाँ पे +3 ऑलरेडी था। देखिए बच्चों ध्यान रखिए, ध्यान दीजिए यहाँ पे, यहाँ पे देखो ये पूरा टर्म एक दूसरे से मल्टीप्लाइड है ना, और उसके बाद ऐड करना है हमें, पहले मल्टीप्लाई करना है बच्चों फिर ऐड करना है, दिस इज अ रूल ऑफ बोर्ड मास, ठीक है, पहले मल्टीप्लीकेशन बाद में एडिशन। तो अब करते हैं मल्टीप्लाई, 3 3 9 बाई नीचे 2, इसके नीचे 1 है तो 2 1 2, अब इसके साथ प्लस है इसके साथ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, और +3 हमने उतार लिया और ये +3 हमने उतार लिया। चलिए ऐड करते हैं, चलो बच्चों यहाँ ऐड करते हैं, ठीक है, हमने इसके नीचे 1 लगा दिया। सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे बच्चों, तो क्या आएगा 2, डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया तो आया 2, और 2 से 2 कितने बार में गया, 1 बार में, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया -9, ठीक है, प्लस लगाया बीच में, 1 को 2 से डिवाइड किया तो क्या आया 2, मतलब 2 को 1 से डिवाइड किया तो क्या आया 2, उस 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 6, ठीक है, ये तो सबको आता है बच्चों एलसीएम लेके कैसे हमें जोड़ना है फ्रैक्शन को, ये तो सभी को पता होगा ऑलरेडी। तो चलिए तो अब क्या हुआ, अब हमें करना है, देखिए माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस, तो 9 में से 6 गया 3, बड़ा नंबर क्या है 9, तो 9 के साथ माइनस लगाया तो माइनस लगा दिया, अब नीचे हमने लगा दिया 2, बच्चों यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो बच्चों देखो हमारा आंसर पहले जब हमने एक्स की वैल्यू माइनस सॉरी एक्स की वैल्यू 1/2 रखी बच्चों, तो हमें आंसर क्या मिला -3/2, जब हमने एक्स की वैल्यू 3 रखी थी तो हमें आंसर क्या मिल रहा था 60, है ना। अब आते हैं इसी के बी पार्ट पे, चलिए बच्चों अब आते हैं क्वेश्चन 4 के बी पार्ट पे, हमें दिया गया है बच्चों कि हमें ए की वैल्यू 0 दी गई है, पहले ए की वैल्यू 1 दी गई है, फिर ए की वैल्यू -1 दी है, और हमारा एक्सप्रेशन दिया गया है बच्चों, एक्सप्रेशन हमें दिया गया है ए ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 प्लस 5, ये एक्सप्रेशन हमको दिया गया है, ठीक है। अब हमें इसमें पहले पार्ट में हमको दिया गया है ए की वैल्यू 0 मानना है, फर्स्ट पार्ट में दिया है व्हेन ए इज इक्वल टू 0, अब हम ए की वैल्यू 0 रखते हैं, चलो देखो बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे 0 रख रहे हैं, ए की वैल्यू हमने 0 रख दिया डायरेक्ट रख रहे हैं, फिर ए 0 की वैल्यू स्क्वायर, ए की वैल्यू 0 रख दिया ऊपर स्क्वायर लगा दिया, प्लस 0 प्लस 1 और प्लस 5 सब उतार लिया, बाकी सेम सिर्फ ए की जगह हमने 0 रख दिया, देखो यहाँ पे 0 0 का स्क्वायर कर दिया 0 प्लस 1 बाकी सेम उतार लिया। अब देखो बच्चों सबसे पहले बात तो आप ये समझो हमें अंदर सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि ये पूरी की पूरी टर्म, ये की पूरी एक्सप्रेशन 0 से मल्टीप्लाइड हो रही है ना, तो जब कोई नंबर 0 से मल्टीप्लाई होता है तो वो 0 ही आंसर आता है, तो इसका आंसर क्या मिला हमें 0, क्योंकि ये 0 से मल्टीप्लाइड हो गई पूरी टर्म है ना, तो 0 से मल्टीप्लाई होने पे आंसर क्या मिला 0, बाकी प्लस 5 हमने उतार लिया, अब 0 में 5 जोड़ेंगे तो आंसर तो हमें 5 ही मिलेगा, ये आंसर हमारा आ गया 5। अब देखते हैं इसी का पार्ट 2, व्हेन ए इज इक्वल टू 1, अब ए को हमें 1 रखना है, ठीक बच्चों रखते हैं, स्टेटमेंट हमको दी गई है ये दी गई है, अब ए को 1 रखते हैं, तो 1 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 प्लस 5 है ना, तो चलिए करते हैं 1 1 1 की स्क्वायर करेंगे तो 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 1 जा 1 ही हो जाएगा है ना, बाकी प्लस 1 प्लस 1 ये था हमारे पास और ये प्लस 5, तो ये हो गया बच्चों 1 1 1 जा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 5, तो 1 1 जा 1 प्लस 1 प्लus 1 तो हो गया 3 प्लस 5, ये हो गया बच्चों 3 1 जा 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 8, हमें आंसर क्या मिला 8, जब हमने ए को 0 माना तब हमें आंसर मिला, ए को 0 माना तब आंसर मिला हमें 5, जब हमने ए को 1 मिला तब हमें आंसर मिला 8, ठीक है बच्चों। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का बच्चों हमें ए पार्ट दिया गया है, ऐड पी पी माइनस क्यू कॉमा क्यू क्यू माइनस आर एंड आर आर माइनस पी, ठीक है देखो पी पी माइनस क्यू कॉमा क्यू क्यू माइनस आर एंड आर आर माइनस पी, इसे हमें ऐड करना है बच्चों, क्या करना है ऐड करना है, तो जहां जहां कॉमा दिया है ना बच्चों हमें वहां पे कॉमा और एंड की जगह भी प्लस लगा लेना है, ठीक। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, पी पी माइनस क्यू प्लस क्यू
क्यू माइनस आर प्लस आर आर माइनस पी। ठीक है, अगला स्टेप में हम क्या करेंगे, इनका देखो ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, ये वाली टर्म इस पूरे दो टर्म से मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक, तो चलो ये पी जो है इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई करते हैं पी और पी, पी टू माइनस पी और क्यू मिलकर बना पी क्यू। ठीक है, प्लस को प्लस लगा दिया, क्यू और क्यू बना क्यू टू माइनस क्यू आर मिलकर बना, मल्टीप्लाई मिल करके बना क्यू आर, फिर प्लस आर आर बना आर टू, माइनस किया आर आर पी, माइनस का माइनस माइनस साइन लगाया, आर और पी का मल्टीप्लाई किया तो बना आर पी। ठीक है, अब चलो अब देखो बच्चों यहाँ पे लाइक टर्म्स, अब क्योंकि हमें प्लस माइनस करना है इस पूरे एक्सप्रेशन में, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स का, क्योंकि लाइक टर्म्स ऐड होती हैं और अनलाइक टर्म्स ऐड नहीं होती, लाइक टर्म्स सब्ट्रैक्ट होती हैं, अनलाइक टर्म्स सब्ट्रैक्ट नहीं होती। ठीक है, तो बच्चों ये देखो ये पी स्क्वायर है ना, यहाँ पे कहीं पी स्क्वायर आपको और दिख रहा है? नहीं दिख रहा। ठीक, तो छोड़ दो, पी क्यू पे आओ, यहाँ पे देखो पी क्यू है, पी क्यू कहीं और आपको दिख रहा है? ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो इसको भी छोड़ दो। क्यू स्क्वायर पे आओ, ये देखो ये क्यू स्क्वायर, यहाँ पे भी क्यू स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे भी क्यू स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे भी क्यू स्क्वायर नहीं है, है ना? तो क्या हुआ, इसका भी कोई हमें दूसरा लाइक टर्म नहीं मिला। आर स्क्वायर को देखो, आर स्क्वायर जैसा भी दूसरा आर स्क्वायर कहीं नहीं है, आर पी जैसा दूसरा आर पी कहीं नहीं है, इसका मतलब इसमें कोई भी लाइक टर्म्स नहीं है बच्चों, तो हमारा यही ये ऐसे ही रहेगा, एज इट इज रहेगा, इसमें हम किसी को भी जोड़ घटा नहीं सकते क्योंकि सारी की सारी टर्म्स यहाँ पे अनलाइक है। तो बच्चों यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब पार्ट बी पे आते हैं, क्या कह रहा है, 2x z माइनस एक्स माइनस वाई प्लस 2y z माइनस वाई माइनस एक्स। ठीक है, ये दिया है हमें, चेक करिए एक बार, 2x z माइनस एक्स माइनस वाई प्लस 2y z माइनस वाई माइनस एक्स, सॉल्व करते हैं, ऐड करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अंदर मल्टीप्लाई करते चलेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई पहले इससे करेंगे तो हो जाएगा 2x z, फिर 2x को इससे करेंगे तो देखो ये और ये मिलकर एक्स टू बन जाएगा, तो हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर। समझ में आ रहा है बच्चों? देखो अब इसको हमने इससे जब मल्टीप्लाई पहले इससे कर दिया तो 2x z ये लिख दिया, माइनस साइन बीच में लगा दिया, अब टू को इससे कर, 2x को इससे करना है तो 2 1 2 एक्स और एक्स मिलके बना एक्स टू, बीच में लगा दिया माइनस, अब 2x को इससे करना है तो देखिए 2x और वाई, 2x और वाई, अब प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई करिए, 2y और 2 तो 2 2 4 और ये वाई हो गया 4y, नहीं सॉरी ये 2 नहीं है, z है बच्चों, ये z है, दिस इज नॉट 2, दिस इज z। ओके, सो बच्चों ये हो गया 2yz, 2yz, ठीक, बीच में माइनस लगाया, y और y बन मिलके बना y स्क्वायर, तो 2y स्क्वायर, अब 2y इंटू माइनस एक्स, तो कितना आया, माइनस का साइन बीच में लगाया, 2y मल्टीप्लाई बाय एक्स, कितना आया 2yx, 2y एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, लाइक टर्म स्टार्ट करिए ढूंढना, प्लस माइनस आपको दिख रहा है हर जगह प्लस माइनस है, तो हम लाइक टर्म देखते हैं, एक्स और जेड यहाँ पे है, एक्स और जेड कहीं पर है, देखिए एक्स जेड यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं है, एक्स स्क्वायर देखिए यहाँ पर है, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, नहीं है, एक्स वाई देखिए ना यहाँ है, 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 मिल गया फ्रेंड, देखो ये हम चाहे इसको एक्स वाई कहें, चाहे वाई एक्स कहें, ठीक है, चाहे हम एक्स वाई लिखें फ्रेंड्स, चाहे हम वाई एक्स लिखें, इसका मतलब बराबर, इसका मतलब वही होता है, चाहे हम एक्स वाई लिखें, चाहे वाई एक्स लिखें, ठीक है, जैसे हम चाहे 5 × 3 करें, चाहे 3 × 5 करें, हमें आंसर 15 ही मिलेगा। इसीलिए बच्चों देखो यहाँ पे ये वाई एक्स और ये वाई एक्स हमें मिल गया है ना, तो ये लाइक टर्म्स ही दोनों हो गई, तो बच्चों ये हमारी घटिया जुड़ जाएंगी। ठीक, तो चलो अब इसको देख लेते हैं, वाई जेड नहीं मिलेगा कहीं पे भी और वाई स्क्वायर भी कहीं नहीं मिलेगा, बस हमको इसको जोड़ घटा करके बाकी सब उतार लेना है, सारा उतार लेते हैं पहले, 2x z माइनस 2x स्क्वायर, अब इसको इसको यहीं पे सॉल्व कर लो, ये देखो माइनस 2 और माइनस 2, तो माइनस और माइनस बन गया जाके प्लस, माइनस और माइनस बन गया जाके प्लस, तो माइनस 2 और माइनस 2 जोड़ दो, माइनस 2 बन गया जाके माइनस 4, ठीक है, माइनस 4 एक्स
वाई के साथ में लगा दो, इसको हमने सॉल्व कर दिया है ना, और बचा केवल हमारा ये दो, इसको डाल लेते हैं प्लस टू वाई जेड माइनस टू वाई स्क्वायर। बच्चों ये हमारा आ गया आंसर, ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों, कोई किसी को दिक्कत हो तो मुझे कमेंट में बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट सी, तो बच्चे क्वेश्चन 5 का पार्ट सी देखिए, हमें दिया है सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है माइनस, ठीक है, और देखो हमें दिया गया है 3l l माइनस 4m प्लस 5n फ्रॉम 4l 10 4l ब्रैकेट में 10n माइनस 3m प्लस 2l। तो याद रखिए बच्चों फ्रॉम के बाद जो लिखा होता है ना उसे हम पहले लिखेंगे, लिखते हैं 4l ब्रैकेट लगाया 10n माइनस 3m प्लस 2l, बंद कर दिया ब्रैकेट, ठीक है। अब हमें माइनस का साइन लगाना है और फिर पहले ही ब्रैकेट लगा देना है, ब्रैकेट के अंदर आएगा 3l ठीक है, ये आएगा 3l l माइनस 4m प्लस 5n, ठीक है 3l l माइनस 4m प्लस 5n को हमें माइनस करना है 4l 10 माइनस 10n माइनस 3m प्लस 2l इससे, ठीक है हमने लिख लिया। अब चलिए माइनस करते हैं, सबसे पहले हम बच्चों अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 4l मल्टीप्लाई बाय 10n तो 4 10 हो गया 40, ये हो गया एल और एन माइनस 4 3 का बच्चों हो गया 12 और एल और एम मल्टीप्लाई होकर एल एम हो गया प्लस 4 2 जा 8 एल स्क्वायर क्योंकि एल दो हो गया, एक ही हो गया एक ही हो गया, ठीक है अब माइनस करना है। देखो बच्चों माइनस करना है हमें, अब जो माइनस करने से पहले हम अंदर की ब्रैकेट पहले खोल लेते हैं, देखो 3l स्क्वायर हो गया 3l और पावर 2 माइनस 3 4 जा 12 ये हो गया एल और एम, फिर प्लस 3 5 जा 15 3 5 जा 15 एल और एन ब्रैकेट क्लोज, ठीक चलिए खोलते हैं 40 एल एन माइनस 12 एल एम प्लस 8 एल स्क्वायर, देखो ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, या 3 के साथ प्लस था ये हो जाएगा माइनस 3 एल स्क्वायर माइनस बन जाएगा प्लस 12 एल एम और ये वाला प्लस बन जाएगा माइनस 15 एल एन, ठीक है। अब चलिए लाइक टर्म्स खोजते हैं, देखो ये एक एल एन है और यहाँ पे एक एल एन है ना, इनको डायरेक्ट हम यहाँ से प्लस माइनस करते चलते हैं, देखो एल 15 के साथ माइनस लगा हुआ है ना तो 40 एल एन और एल एन लाइक टर्म्स हो गए तो ये दोनों आपस में माइनस हो जाएंगे, तो 40 में 15 माइनस करो बच्चों तो कितना बचा 10 में 5 गया 5 और 3 में 1 गया 2 25, ठीक है 25 एल एन बचा, और देखो इसके ये 15 के साथ माइनस लगा हुआ है ये 15 के साथ माइनस लगा हुआ है और 40 के साथ प्लस, तो बड़े नंबर वाला साइन आता है तो ये प्लस रहेगा, ठीक है ये इसका आंसर हमें मिल गया, इसको छोड़ दो इसको टिक कर दो, ये हम कर चुके। अब आइए इसमें एल एम और ये एल एम, ठीक है देखो ये 12 एल एम एल एम ये क्या लगा बीच में माइनस और प्लस माइनस, मतलब 12 एल एम में से 12 एल एम हमने घटा दिया ये पूरा पूरा कट गया तो हमें क्या मिला जीरो, इसको लिखने की जीरो को लिखने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं इस पे एल स्क्वायर और एल स्क्वायर दोनों लाइक टर्म्स है तो ये भी माइनस हो जाएंगे, 8 में से 3 गया 5 5 एल स्क्वायर, अब 8 बड़ा है तो उसके साथ साइन प्लस का है तो प्लस, हमारा आंसर आ गया बच्चों 25 एल एन प्लस 5 एल स्क्वायर, ये बच्चों हमारा आ गया आंसर, ठीक है बच्चों पार्ट सी क्लियर हो गया सबको। चलिए सो फ्रेंड्स इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं फ्रेंड्स, अपने नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 का डिपार्ट करेंगे, सो फ्रेंड्स थैंक यू फ्रेंड्स।